जबलपुर इंदौर उज्जैन ग्वालियर में भारी बारिश, आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट हुआ है जारी। खजुराहो में और धार नौगांव में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। कई जिलों में आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी हुआ है। तो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में बारिश का दौर फिलहाल जारी है। भोपाल समेत कई जिलों में जमकर बारिश भी हुई। वहीं मॉनसून की पहली बारिश में राजधानी दिल्ली में बुरा हाल हो गया। सुबह से हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव हुआ है। मोतीबाग और मिंटो रोड की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पानी किस तरीके से भरा हुआ है। यमुना विहार अकबर रोड पर भी जल भरा हुआ और महरोली में भी पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। भारी बारिश के चलते आईटीओ में रफ्तार पर ब्रेक लगा। तो ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि सड़कों में किस तरीके से पानी भरा हुआ है, अंडरपास में पानी भरा हुआ है और गाड़ियां पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ घंटों की बारिश में ही दिल्ली पानी पानी हो गई। मोतीबाग, मिंटो रोड, कनॉट प्लेस और पटपड़गंज की तस्वीरें, अकबर रोड और शांति पथ और साथ ही महरौली और तीन मूर्ति की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पानी भरा हुआ है। तो हर एक तस्वीर में आप देख पाएंगे कि सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है और हालांकि लोग इसका विरोध करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चूंकि ये कहा गया था बारिश होने से पहले कि पूरी तरीके से दिल्ली तैयार है इस बार की बारिश से लड़ने के लिए, निपटने के लिए, लेकिन वही स्थिति हर बार की तरह देखने को मिल रही है। तो देखिए, भारी बारिश के बाद दिल्ली में हर तरफ पानी ही पानी है। हाल यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। तस्वीरें आजाद मार्केट की हैं जहां अंडरपास में सुबह से एक बस फंसी है। बस की छत पर कई सवारियां हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। दमकल और दिल्ली पुलिस की तमाम टीम मौके पर मशक्कत करती हुई जुटी हुई है। तो तमाम सवारियां जो बस में मौजूद थी, जो ट्रेवल कर रही थी, वो सभी सवारियां इस बस की छत पर इंतजार कर रही हैं कि उनको बचाया जाएगा, क्योंकि बस आधी पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो आजाद मार्केट की हैं जहां अंडरपास में एक कार भी फंसी हुई है। वो तस्वीरें ये देखिए, ये तस्वीर सामने आई जहां कार फंसी हुई है और भारी बारिश के बाद यहां इतना पानी भर गया कि इस गाड़ी को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है और लेकिन गाड़ी निकल नहीं पा रही है। अब आपको दिल्ली के मोतीबाग इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। सड़क पर इतना पानी यहां मोतीबाग में भरा हुआ है कि बस सभी बेबस नजर आ रहे हैं। गाड़ी इसमें देखिए किस तरीके से तैर रही है और गाड़ी फंस गई है। लोग इस गाड़ी को निकालने की जद्दोजहद में है। तो एक तरफ तो दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत मिली लेकिन मुसीबत बारिश लेकर आई। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए, पानी में किस तरीके से कार डूबी हुई है। मिंटो ब्रिज पर इतना पानी भरा है कि यहां एक कार फंस गई और लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि यहां से पानी का लेवल कम हो और इस कार को निकाला जा सके। दिल्ली के एम्स की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं जहां हर तरफ पानी ही पानी है, सड़कें जलमग्न हैं। यहां एक बस भी पानी में फंसी हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं एम्स की, ये तस्वीर जहां देखिए पानी में ये बस फंसी हुई दिखाई दे रही है और कॉलेज की ये बस, के आर मंगलम यूनिवर्सिटी की ये बस जो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। एक गाड़ी भी देखिए यहां पर फंसी हुई है। बाढ़ बारिश की एक और तस्वीर मिंटो रोड से सामने आई जहां अंडरपास में ट्रक पूरी तरह से डूबा नजर आया। अब देखिए आधा डूबा हुआ ये ट्रक जो है वो दिखाई दे रहा है। तो मिंटो रोड की ये तस्वीर है, अंडरपास की ये तस्वीर जहां अंडरपास में पानी भरा हुआ है और ट्रक जब यहां से गुजर रहा था तो पानी ज्यादा होने की वजह से बंद पड़ गया और वहीं पर वो फंस गया। और ये देखिए ये तस्वीर, रविंद्र नेगी ने विरोध इसका जताया और विरोध के तौर पर उन्होंने नाव चलाई। अब अकबर रोड की ये तस्वीर देखिए जहां पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। अकबर रोड पर, हालांकि इसे पॉश इलाका का जरूर कहा जाता है यहां पर, लेकिन इस रोड पर आप देख सकते हैं कि कैसे नहीं आएगी, मैं देखने से ये लगेगा कि यहां पर एक नदी है। अब ये देखिए महरौली की ये तस्वीर जहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
और पूरी तरीके से ऑटो हो या फिर दुपहिया वाहन चालक हो, इसने डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहीं से अब लोग गुजर भी रहे हैं। मेट्रो रूट का संचालन यहां से होता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, लेकिन लोग काफी ज्यादा परेशान हैं इन सारी चीजों की वजह से। वहीं दिल्ली में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, सड़कें तब्दील हो चुकी हैं तालाब में, यमुना विहार में भी किस तरीके से पानी भरा हुआ है, हालात वहां पर कैसे हैं, इसकी जानकारी हमारे संवाददाता मणिदीप शर्मा ने दी। वैसे देश की राजधानी दिल्ली में बारिश हुई है और ऐसे में छोटी सी और छोटे समय के लिए हुई इस बारिश के चलते ही दिल्ली की जो सड़कों का हाल है वो आप देख सकते हैं, पूरी तरह झीलों में तब्दील हो गए हैं। यमुना विहार की ये सड़क है, एक ट्रक, दो ट्रक, तीन ट्रक और तीन ट्रक तो इस समय इसी सड़क पर खराब नजर आ रहे हैं। और की देखिए पूरी जो सड़क है ये पूरी तरह यहाँ पर झील में तब्दील हो गई है। सड़क के ठीक साथ में ये देखिए, यहाँ पर यदि हम दिखाएंगे सड़क के ठीक साथ में ये देखिए यहाँ पर ये नाला बह रहा है, ये पीडब्ल्यूडी का नाला है, नाला सड़क बराबर के हिस्से में हो गया है। जाहिर सी बात है यदि इन नालों की समय रहते हुए सफाई कर दी जाती, यदि इन नालों की समय रहते हुए सफाई कर दी जाती तो फिर ये जो बरसात का पानी है इन नालों में एब्जॉर्ब हो जाता। लेकिन वही सवाल, वही समस्या, वही हर साल एक बार फिर से थोड़े समय के लिए हुई इस बारिश के चलते देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें जो है वो नदियों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। वाहन खराब हो गए हैं, ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उससे दिल्ली वासियों को रूबरू होना पड़ रहा है। सवेरे का समय है और सवेरे के समय में यदि सड़क इस समय ये सूनी सड़क नहीं है, ये सड़क इस समय खाली सड़क नहीं है। दरअसल इस सड़क पर जो वाहन खराब पड़े हुए हैं, पीछे की तरफ इस सड़क पर एक बड़ा जाम लगा हुआ है, वो देखिए पीछे वहां पर एक डीटीसी बस भी नजर आ रही है जो कि खराब है, वो हरे रंग की डीटीसी की बस है। तो बस खराब है, ट्रक खराब है, क्योंकि सड़क पर बेइंतहा पानी भर गया है, नालों की समय रहते हुए सफाई नहीं कराई गई है। हर साल बारिश आती है, हर साल सड़कें इसी तरीके से डूबती हैं, हर साल बयानबाजी होती है, लेकिन हर साल की जो तस्वीर होती है उन बयानबाजियों के बावजूद वो इसी तरीके से बदतर नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मणिदीप शर्मा। दिल्ली में बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं जलभराव की समस्या ने लोगों को परेशान कर दिया। दिल्ली की कई सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सवेरे शुक्रवार की सवेरे 3 बजे से जो लगातार बारिश हो रही है उसका नतीजा है कि दिल्ली की तमाम सड़कें इस समय वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उससे जूझ रही हैं। लेकिन ये जो सड़क आप इस समय अपने कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सड़क दिल्ली की सबसे वीआईपी सड़कों में से एक है, सबसे खास सड़कों में से एक है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर यहां से महज 10 कदम की दूरी पर मौजूद है। सिविल लाइन से स्थित ये सड़क है और यहां से एलजी निवास 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे पीछे यहां पर मौजूद है चंद कदम की दूरी पर दिल्ली विधानसभा है। ऐसे में इस मुख्य सड़क का यहां पर डूबे रहना, डूब जाना ये दर्शाता है कि दिल्ली में जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो आने वाले दिनों में मानसून के इस सीजन में किस कदर भयावह होने जा रही है। जाहिर सी बात है देखिए सड़कों पर देखिए कितना पानी है, घुटनों तक का ये पानी है। वाहनों की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लग गया है, वाहन यहां पर रेंग रेंग करके चल रहे हैं। सड़क का अधिकांश हिस्सा डूब गया है, 80% जो सड़क है वो पूरी तरह पानी में डूब गई है, केवल जो 20% सड़क है उसी पर ही वाहन चल पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कोने वाली जो साइड है वहां पर नाले हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, और वो नाले जो हैं वो यहां पर उनकी सफाई चुकी नहीं हो पाती है। जब सफाई नहीं हो पाती है तो इसी तरीके से जो बारिश का पानी है वो सड़क पर ही रुक जाता है, वो अंदर सरपास ही नहीं हो पाता है, वो उसमें जो है एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है। जब मुख्य सड़क इतनी सबसे प्रमुख वीआईपी लेन की सड़क का जब ये सूरत हाल है तो पूरी दिल्ली का सूरत हाल क्या होगा, इसको आप समझ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मणिदीप शर्मा।